तो भाई करियर मोड में आपका फिर से स्वागत है एंड गुजरात की टीम से हम वनडे मतलब विजय हजारे सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। आज मैच होने वाली है हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन मतलब हरियाणा के सामने एंड पहली बॉलिंग आ चुकी है हमारी। टॉस हरियाणा ने जीता था भाई, कब बॉलिंग दे रहे हो? ओके 19 ओवर्स के बाद बॉलिंग आई है 84 पे 3, एक मैच दो विकेट। पहली मैच आपने सबने देखी होगी और भाई पिच पे अभी से क्रैक है और थोड़ा सा डस्टी पिच है जैसे कि मैंने देखा था। चलो फील्ड ये ठीक ही है, मतलब पहला बॉल डाल देते। चलो फर्स्ट बॉल अगेंस्ट ए कुमार, बढ़िया बॉलिंग एंड यस डिफिकल्टी आप देख लो भाई। अरे रीप्ले कहाँ चला गया भाई? डिफिकल्टी, हाँ डिफिकल्टी देख लो। AI लेजेंड, बैटिंग हार्डेस्ट बॉलिंग हार्डेस्ट, कुछ चेंज नहीं हुआ। ठीक है दूसरा बॉल डालते हैं, डस्टी पिच है, टर्न बढ़िया होगा। नाइस नाइस बॉल, नाइस बॉल भाई, एक ही रन आना चाहिए फील्डर। एंड यस ये मैच हो रही है भाई नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा स्टेडियम लग रहा है। आर शर्मा भाई, रोहित शर्मा है क्या? बढ़िया, चलो एक और डॉट बॉल। अभी तक तो ओवर अच्छे जा रही है, पांच बॉल में सिर्फ एक रन दिया है अभी तक, बहुत ही बढ़िया ओवर। लास्ट बॉल ओवर का, ओ भाई चिप, अगर थोड़ा सा चिप हो जाता कैच दे देता, कोई बात नहीं। पहली ओवर के बाद एक ही रन दिया है हमने, बहुत ही बढ़िया। सेकेंड ओवर में आ चुके हैं और फील्ड थोड़ी सी चेंज कर दिया हमारे कैप्टन ने, बढ़िया यार टर्न तो है भाई, बहुत ही अच्छा टर्न। आफ्टर टच बाहर, अब एक टर्न कराते हैं। अरे भाई अच्छा टर्न, लेकिन उससे भी अच्छा शॉट यार गैप में, और पहला चौका हमको पड़ चुका है एज यूजुअल। एंड यस कमेंट में बता देना भाई कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं एंड जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हो, 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा देना मेरे भाई। और भाई कैच आउट नहीं। चलो सेकेंड ओवर का भी लास्ट बॉल आ चुका है, कॉन्फिडेंस मीटर ग्रीन पे बॉल, लेट्स गो भाई साहब। जैसे मैंने बोला कॉन्फिडेंस मीटर ग्रीन पे और विकेट मिल चुकी है भाई, जबरदस्त विकेट, विकेट ऑफ द डे फॉर मी। एंड यस शॉट ऑफ द डे, विकेट ऑफ द डे, मूवमेंट ऑफ द डे, आप सब कमेंट कर सकते हो। क्या जबरदस्त बॉल था यार, क्या जबरदस्त बॉल था। ओके रोहित शर्मा ही थे लेकिन ये रोहित प्रमोद शर्मा थे। सुमित कुमार आ चुके बैटिंग के लिए, लेकिन बहुत ही बढ़िया विकेट। चलो थर्ड ओवर, सुमित कुमार नए बल्लेबाज, बढ़िया बॉल भाई, बढ़िया बॉल। एंड क्राउड अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, अभी जैसे ही गेम प्रोग्रेस करेगी तो क्राउड फुल हो जाएगा, ये गेम का मैकेनिज्म ही है भाई। भाई इतनी अच्छी बॉलिंग के बाद तीन ही ओवर डलाई और फिर बॉलिंग ही नहीं दी यार, ये गलत है भाई। एक मिनट स्कोर कार्ड देख लेते पहले। तो यार स्कोर कार्ड तो भाई 239 कर दी हरियाणा ने, जिस पोजीशन पे थी उससे अच्छा स्कोर कहूंगा मैं। और लेकिन एक सेकेंड में यार ये देखो तुम हमारी बॉलिंग कहाँ गए। हाँ तीन ओवर छः रन एक विकेट, सबसे कम इकोनॉमी है और हमको बॉलिंग ही नहीं दी भाई तीन ओवर के बाद, ये तो गलत है यार, कौन है कैप्टन भाई? तो गेम बचाना पड़ेगा। चलो तो कोई बात नहीं यार, बैटिंग आ चुकी है एंड 40 पे 2, टारगेट 240 का है। सो एक अच्छी इनिंग्स खेल सकते हैं यहाँ पे और टीम को जिता सकते हैं। चहल, अरे क्या है भाई ये टीम में, आर शर्मा, ए चहल, आई नो वाई चहल नहीं है लेकिन ए चहल तो है। चलो वो सब छोड़ो भाई, एक रन के साथ हमारा खाता खुल चुका है एंड फर्स्ट रन ऑन द बोर्ड। मेरा भाई स्पिनर से क्या इतना लगाव है, जयंत यादव आ चुके हैं एंड सबको पता ही होगा जयंत यादव जबरदस्त प्लेयर है, IPL भी खेलते हैं गुजरात टाइटंस से। भाई क्या टर्न हो रहा है, देखो हमारे लिए फ़ायदेमंद था बॉलिंग में लेकिन अब सामने की टीम में भी स्पिनर्स हैं तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा। क्रैक्स भी है पिच पे, डस्टी पिच है और दोपहर का समय है तो टर्न तो मिलेगा भाई। शॉट, अरे भाई सिंगल लेना था लेकिन गैप में नहीं गया। शॉट, एक ऐसा ब्रेक थ्रू शॉट चाहिए था, इससे प्रेशर भी हटा है, कॉन्फिडेंस मीटर आई नो के ग्रीन है लेकिन एक ऐसा शॉट चाहिए था जो कि भाई चौके के लिए जाए। और गुजरात की विजय हजारे ट्रॉफी में भाई इसका अलीमदार कौन यार, क्या अंपायर भाई। ठीक है यार देख लो अभी ये, और डिफिकल्टी भाई सेम ही है। ठीक है चलो ओवर का लास्ट बॉल, पाँच रन पर पहुँच चुके हैं आराम से भाई, आराम से। चहल भाई वापस आ चुके हैं, सस्ते चहल भाई, मीडियम पेसर। अरे भाई गैप में चले जाते भाई, क्या दिक्कत है, प्लेसमेंट क्यों नहीं हो रहा आज। शॉट, लेट्स गो, ऊपर से निकल जाए उतना ही चाहिए हमको, 30 yard के ऊपर से निकल चुका है, एक और चौका मिलेगा, दो बाउंड्रीज हमने मार ली है भाई। तो फाइनली एक राइट आर्म पेस बॉलर आ चुका है, क्विक बॉलर, तो भाई इनके सामने मजा आएगी। पेस बॉलर्स अच्छे लगते हैं क्योंकि हम रन मार सकते हैं उनके सामने। ठीक है चलो सिंगल के साथ नॉन स्ट्राइक पे जाएंगे, 10 रन डबल डिजिट पे पहुंच चुके हैं हम। फिर से जयंत यादव आ चुके हैं, अपनी दो ओवर में उन्होंने 10 रन दिए हैं अभी तक। शॉट, चलो सो धीरे धीरे इनिंग्स बिल्ड करेंगे एंड पार्टनरशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। शॉट,
भाई बस निकल जाए यार, आउटफील्ड तो फास्ट होती है अहमदाबाद के ग्राउंड पे। नहीं निकलेगा भाई, हमारी किस्मत ही नहीं है ना, हमारी किस्मत ही नहीं होती चौके की। 3 रन मिल जाएंगे इतने भाई, 50 की स्पीड पे डाल लो बॉल, इतना इतना स्लो बॉलिंग कर रहा है। तो यार एक और स्पिनर आ चुका है भाई, कितने स्पिनर है हर एक टीम में, विजय हजारे में स्पिनर पे स्पिनर ही आ रहे हैं। शॉट ये तो गैप में जाना चाहिए, अबे ये भी नहीं गया, रन आउट नहीं, बच गए। तो यार कॉन्फिडेंस तो ग्रीन में है, लेकिन रन स्लोली बन रहे क्योंकि पिच डिफिकल्ट है। कोई बात नहीं यार, आराम से ही चलेंगे। ये शॉट अच्छा, ऐसा बॉल दोगे तो भाई टाइमिंग तो बढ़िया आएगा, लेकिन इसमें भी फील्डिंग हो जाएगी। ये हमारी टीम को देखना चाहिए भाई, एआई एआई इस गेम में क्या फील्डिंग करता है भाई। बात तो सही है। शॉट वेट किया भाई, और फर्स्ट सिक्स है क्या? यस लेट्स गो, पहली सिक्स भाई हमारी इनिंग्स की। और पीछे क्राउड देख रहे हो भाई, क्या जबरदस्त जबरदस्त क्राउड। और ये शॉट देखो सिर्फ, तुम वेट किया था राइट आर्म मीडियम पेसर, बिल्कुल भाई पसंद नहीं है मुझे ये बॉल, ऐसे बॉलर्स। लेकिन मिड विकेट के पीछे कोई नहीं था, मिड विकेट बहुत ही आगे थी और इतनी बड़ी गैप थी, बस टाइमिंग करना था और सिक्स मिल गई भाई। भाई 3 डॉट बॉल जा चुके हैं, ये शॉट चाहिए था यार, 3 डॉट बॉल जा चुके थे, प्रेशर आ रहा था भाई। इस पे भी मत रोक लेना यार, वरना गेम बंद कर दूंगा मैं। थैंक यू सो मच, चौका जाने दिया। और इसी बीच 50 रन्स की पार्टनरशिप पूरी हमारे और कथन पटेल है ना शायद, हाँ कथन पटेल के बीच में। कथन पटेल खेल रहे 41 पे, हम खेल रहे 28 पे, और आखिरी बॉल है ओवर का। गैप में खेलना था लेकिन नहीं जाएगा गैप में, मेरी किस्मत ही ऐसी है भाई। चलो 18 ओवर्स के बाद 90 पे 2 गुजरात। एंड अभी तक वीडियो देख रहे हो और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो मेरे भाई, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। एक और राइट आर्म मीडियम पेसर, क्यों ऐसे भाई, ऐसे बॉल डालो, ऐसे बॉल डालो तो हम खेल सकेंगे, क्योंकि अगर आपने आगे पिच किया तो यार फिर टाइमिंग होता ही नहीं है, इस पे तो टाइम मिल जाता है। चौका मिल गया फाइनली एक, राइट आर्म मीडियम को जब भी मारता हूँ भाई मज़ा आ जाता है यार सही में। गुड शॉट स्ट्रेट यार, बहुत बढ़िया टाइमिंग, क्या चौका मारा है भाई, खुद के शॉट पे वाहवाही करने का मन हो गया, स्ट्रेट लाइक एन एरो। ये देखो भाई 100 रन्स कंप्लीटेड, 20.2 ओवर्स, अच्छा शॉट, और चौका जा रहा है क्या? अरे भाई मुझे लगा सिंगल है, लेकिन मैंने फील्ड रेडर पे देखा तो चौका भाई शॉट ऑफ द डे भाई, ये शॉट ऑफ द डे है मेरे लिए, बहुत ही बढ़िया शॉट। जस्ट देखो यार ऑन ड्राइव तो मेरे को बहुत पसंद है, वॉट ए शॉट, और चौका मिल चुका है भाई। 240 रन्स का टारगेट है, 105 हो चुके हैं, 135 रन और चाहिए। अच्छी बैटिंग हो रही है, टचवुड, हाँ हाँ ले लो भाई, मुझे वो मलिंगा का याद आ जाता है। एक और चौका भाई, क्या हो रहा है, क्या हो गया भाई एआई की टीम को, जबरदस्त बैटिंग फिर से भाई। कितने शॉट ऑफ द डे के नॉमिनीज आ गए भाई, अभी आपको बताना है ठीक है, ये इतने सारे अच्छे शॉट्स खेले हैं हमने अभी तक, आपको बताना है अपना फेवरेट शॉट ऑफ द डे, कमेंट जरूर करना मेरे भाई। अरे यार मैं पीछे फाइन लेग के पीछे से खेलना चाहता था, लेकिन डॉट बॉल, 5 रन दूर है भाई पहली 50 से विजय हजारे के टूर्नामेंट में। स्टाइल में कंप्लीट करना है भाई, प्लीज करने देना फील्डर है। अरे भाई चलो चौका चला गया है, थोड़ा ज्यादा सेलिब्रेट कर लिया हमने जल्दी से, कोई बात नहीं चौका मिल गया है, 49 पे पहुंच चुके हैं। अब 1 रन चाहिए, अब ज्यादा स्टाइल नहीं दिखानी हमको, अब सिंगल ले लेते आराम से। भागले 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 भागले, अरे नहीं 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 मत भाग मत भाग, क्या हो रहा है भाई, भागले अब भागले, लेट्स गो, पहली 50 विजय हजारे टूर्नामेंट में, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। 50 रन, 8 चौके, 1 सिक्स, 106 की स्ट्राइक रेट, परफेक्ट फॉर वन डेज भाई। ये देखो अपना वैगन व्हील, क्या जबरदस्त 1 सिक्स मारी थी वो मीडियम पेसर पे, हर एक जगह पे रन है ठीक है, ऑलमोस्ट हर एक जगह पे रन है, और जो जहाँ पे नहीं है वहाँ पे मारते। चलो अबे भाई मेरे सामने यही बॉलर मिला है क्या, ए संधु कब से आ रहा है हमारे सामने बॉलिंग करने, जा भाई तू जा, तेरे को अभी थोड़ा हिटिंग करूँगा मैं, अभी जाने देना चौका। अरे मेरे भाई क्या कुछ क्या बोलूँ अभी, नहीं रन आउट नहीं, बच गए। शॉट 1 रन, चौका चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, 1 रन से भी संतुष्ट रहेंगे। 55 पे पहुंच चुके इस 1 रन के साथ, यार देखो कॉन्फिडेंस मीटर तो ग्रीन है लेकिन स्टेमिना कम होता जा रहा है, सो लॉफ्टेड शॉट्स इतने फ्रीक्वेंटली नहीं खेल पाएंगे अभी हम, क्योंकि अगर खेलने जाएंगे तो सीधा आउट ही होने वाला है। सो स्टेमिना थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं एंड आराम से भाई चेज आराम से करेंगे। वापस आ चुके हैं चहल भाई, और उनकी फील्डिंग देखो जरा,
एक बार फील्डिंग रेडार पे नजर रखो, देखो सिर्फ डीप स्क्वेयर लेग, डीप फाइन लेग, डीप थर्ड मैन और डीप पॉइंट। जैसे कि 150 की स्पीड पे हमको बाउंसर डालने वाले हो, ऐसी फील्डिंग रखी है मीडियम पेसर ने। ठीक है भाई, देख लो फिर ऐसे शॉट्स पड़ेंगे यार। ऐसी फील्डिंग रख रहे हो, स्पीड है नहीं, बाउंसर डाल नहीं रहे हो, आगे डाल रहे हो, तो ऐसे चौके तो जरूरी है ना भाई। क्या शॉट खेला है भाई, मजा आ गया। एग्जैक्ट 100 रन रिक्वायर्ड शॉट, भाई निकल जाता, मजा आ जाता। ये भी टाइमिंग अच्छा हुआ था। जयंत यादव ने भाई लंबा ब्रेक लिया और वापस आ चुके हैं बॉलिंग करने के लिए अपने सेकंड स्पेल में। और स्वागत हम करेंगे, अभी कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि पीछे फील्डर तो ऐसे आ जाता है ना भाई, दौड़ के बच गए। 2 रन से स्वागत करेंगे, ठीक है। अब आए ना लाइन पे शॉट, भाई कब से ट्राई कर रहा था, ये शॉट आ ही नहीं रहा था। बहुत बढ़िया शॉट यार, जबरदस्त फील्ड को देख के खेला हुआ शॉट एंड अ ग्रेट बाउंड्री भाई। चलो इस ओवर का आखिरी बॉल, 70 पे पहुंच चुके हैं हम। बहुत ही अच्छी बैटिंग हो रही है आज। 2 रन निकाल सकते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, 1 रन से ही संतुष्ट रहेंगे। नेक्स्ट ओवर में स्ट्राइक पे आ जाएंगे। 71 पे नॉट आउट शॉट, फुल टाइम, मतलब आराम से चाय पानी नाश्ता सब करके इतना टाइम लेके फिर हमने खेला ये शॉट। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी, क्योंकि टाइम अगर नहीं होता तो सीधा 38 के फील्डर के हाथ में चला जाता है। ये देखो बहुत ही प्यारा शॉट, ओवर कवर्स फॉर ए बाउंड्री। उस चौके के बाद भाई दो डॉट बॉल डाल दिए जयंत भाई ने शॉट, ये कैच नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच, सिंगल लेके नॉन स्ट्राइक पे, सेंसिबल बैटिंग। 30 ओवर्स डन, 20 ओवर बचे हैं, 158 हमने ऑलरेडी बना दिए है और 240 का टारगेट है। यार इतना अच्छा शॉट गैप में, भाई छोड़ देता है यार तू फील्डर, शॉट की रिस्पेक्ट कर लेता। नहीं शॉट भाई, मैंने कोई प्री, मतलब मैं सोच के रखा था कि मिड विकेट के ऊपर से ही खेलूंगा और इसने भाई दे दिया फुल टॉस, जबरदस्त शॉट। 80 रन पे पहुंच चुके हैं, क्या शॉट खेला यार, मिड विकेट के ऊपर से। और भाई 20 रन चाहिए बस, बता रहा हूँ ठीक है, ज़्यादा तारीफ नहीं करनी वरना आउट भी हो सकते हैं। 20 रन चाहिए 100 के लिए। ये देखो भाई बाहर निकला है बॉल, एक और अच्छा शॉट, इस बार तो शायद 6 चला जाए। अबे भाई क्या फील्डर है तू, क्या हो रहा है भाई आज। अरे यार भाई मैं तो 6 का सोच रहा था, चौका भी नहीं मिला, 6 भी नहीं मिली, ये तो 2 रन आए है। फील्डिंग देखो यार इनकी, जबरदस्त फील्डिंग। 82 पे पहुंच चुके, 18 रन चाहिए यार शॉट। अब ये तो चौका जाने दो, हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फील्डर ने थोड़ा सा गलती कर लिया लेकिन चौका फिर भी नहीं मिलेगा भाई, 3 रन से काम चलाना पड़ेगा। 86 पे खेल रहे, जयंत यादव बॉलिंग में आ चुके हैं एंड 169 टोटल हुआ है अभी गुजरात का फॉर 3 विकेट्स। तो अभी तो अपर एंड हमारी टीम को ही मैं मतलब देना चाहूँगा। चलो उर्विल पटेल ने पूरी एक ओवर खेल ली है और फिर से जयंत यादव आ चुके हैं बॉलिंग में हमारे सामने। टर्न ज़्यादा था तो ये शॉट खेलने गया मैं, लेकिन भाई टाइमिंग और प्लेसमेंट तो यार हमारे दुश्मन बन चुके हैं आज। दोनों की बीच में बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप हो रही है। 182 पे पहुंच चुकी है हमारी टीम और बच गए भाई, मुझे लगा कि हो गया था, मुझे लगा कि आज सेंचुरी नहीं होगी, लेकिन अभी भी हम कंटेंट, मतलब अभी भी हो सकती है, ऐसा श्योर नहीं बोल रहा हूँ मैं कि हो गई है ठीक है। इस मोमेंट पे लगा था कि कैच हो गया लेकिन नहीं हुआ। 91 पे पहुंच चुके हैं, नर्वस 90s में गाइस। 9 रन चाहिए, लेट्स सी क्या होता है आगे। अरे भाई नहीं 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 नहीं, नहीं आराम से। एंड गाइस अभी तक वीडियो देख रहे हो एक लाइक कर देना ठीक है। और दूसरी बात भाई, यहाँ पे वीडियो पॉज करो और टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट करना तो पता चल जाएगा कि क्या मेरी सेंचुरी होगी या नहीं ठीक है, बस बता देना हम देखेंगे। भाई इतना अच्छा टाइमिंग कैसे हो जाता है स्ट्रेट शॉट में, मुझे यही नहीं समझ आता। 2 रन निकाल देना भाई, इजी, लेट्स गो। थैंक यू सो मच भाई, मैं सही बता रहा हूँ, मैं जब भी ये मिड विकेट के ऊपर से पॉइंट करता हूँ ना तब ये फुल टॉस डाल देता है यार। लव यू यार, ये बॉलर को भाई तेरे लिए तो जान हाजिर है। पार्टी बदल लिया साला, बहुत ही अच्छी 6। 99 ये भाई, ओके आराम से लास्ट बॉल है, सिंगल ले लो, लेट्स गो भाई लेट्स गो। 2 रन हाँ मिल जाएंगे फाइनली। विजय हजारे ट्रॉफी की सेकेंड मैच में भाई
100 कंप्लीटेड एंड सेलिब्रेशन तो देखो भाई, 13 चौके और 2 सिक्सेस। वैगन व्हील देख लेना भाई, 50 पे नहीं दिख रहे थे मिड विकेट पे रन, थर्ड मैन पे रन, वहाँ पे भी दिख चुके हैं वैगन व्हील, बहुत ही बढ़िया। एंड फाइनली 100 हो चुकी है। सुमित कुमार 2 मिनट रुक जाओ भाई, 100 हो चुकी है, थोड़ा सा सिंक इन हो जाने दो मुझे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट कहूँगा मैं। शॉट, बस चौका चला जाए। अब तो भाई फ्रीली खेलेंगे। हमारी टीम के 200 रन भी हो चुके हैं इस बाउंड्री के साथ, एंड 203। अब फ्रीली खेलेंगे, 105 पे खेल रहे हैं हम। यहाँ से जितने भी रन हो हमारी टीम के लिए बहुत ही अच्छा है भाई। नहीं, अरे भाई ये लो, मैं जैसे ही बोल रहा था कि फ्रीली खेलने में यही होता है, गलती की है भाई मैंने। मैं फिनिश कर सकता था मैच, लेकिन यार टीम के लिए ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते, पता है ऐसा कोई माइलस्टोन अचीव कर लेता हूँ ना भाई तो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता हूँ। कोई बात नहीं यार, वेल प्लेड भाई, 105 94 बॉल्स में, और जहाँ पे पार्टनरशिप क्रूशल थी वहाँ पे कथन पटेल और उर्विल पटेल के साथ बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप्स बनाई हमने, टीम के लिए अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। एंड देख सकते हो भाई, ये देख लो, 240, 6 विकेट हो गए भाई। ओ भाई, मैन ऑफ द मैच भी हमको मिल रहा है, लेट्स गो। इतनी खुशी मुझे मतलब मेरे नजरिए में तो था ही भाई कि 100 बनाए थे तो मैन ऑफ द मैच मिल सकता है। $1,000 भी आ चुके हैं बैंक में, ठीक है, कुछ लेंगे, परचेस करेंगे भाई, शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, ठीक है। सो एज यू कैन सी, मैच समरी आप देख सकते हो, हरियाणा वर्सेस गुजरात, गुजरात मैच जीत चुका है। बॉलिंग में हमने 1 विकेट ली, फिर बॉलिंग ही नहीं दी भाई, कितना अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। खैर उसका भाई, उसका मैंने कंपनसेशन ले लिया बैटिंग में, ठीक है। 105 ऑफ 94 बॉल्स, दूसरी ही मैच में विजय हजारे ट्रॉफी की सेंचुरी बना दी हमने, बहुत ही बढ़िया, अच्छा स्टेटमेंट है गुजरात की टीम के लिए भी, और प्लेयर ऑफ द मैच भी हम बन चुके हैं, तो भाई इससे अच्छा तो क्या ही खुशी मिल सकती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। शॉट ऑफ द डे, विकेट ऑफ द डे, मूवमेंट ऑफ द डे आप सब कमेंट में बता सकते हो। वीडियो को रेट कर सकते हो, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे भाई, 500 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करवा दो, एंड लाइक ज़रूर से करना, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर सकते हो जिसको ऐसा कंटेंट देखने में मज़ा आता है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स, बाय बाय।